कमज़ोर दिल वाले ना देखिए कृपया। यह वीडियो एक गुफा में शूट किया हुआ है। वीडियो तो नहीं हम अपलोड कर पाए हैं, लेकिन ऑडियो हमने इस वीडियो में मर्ज कर दिया है। और कमज़ोर दिल वाले मना देखिए प्लीज़। हाँ जैसे कि आप लोगों को जानते हो, वीडियो की थंबनेल में आपने देखा कि एक इंसान के ऊपर जब तांत्रिक की आत्मा बुलाकर उसके द्वारा 1.5 फुट की जानकारी हमने प्राप्त की है, वहीं आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। यह वीडियो एक जंगल में पुराने मशान में शूट किया हुआ है, तो इसमें थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि उसका वहाँ का माहौल ही ऐसा था। तो सुनिए, 1.5 फुट के बारे में उस तांत्रिक आत्मा ने क्या कुछ बताया। वैसे भी उस तांत्रिक आत्मा को बुलाने वाले जो तांत्रिक है, उन्होंने उस तांत्रिक को पहले से ही बजा तांत्रिक आत्मा को पहले से वचन लेकर बताया था कि वो गोपनीय जानकारी ना दे, कुछ मोटा मोटी जानकारी दी। जब हमने रिकॉर्डिंग बंद की तब उसने बहुत गोपनीय जानकारी हमें दी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त वो गोपनीय जानकारी देने से इनकार कर रहे थे जा रहा था। तो सुनिए और समझना जो ऑडियो क्लिप। 1.5 फुट एक ऐसे इंसान की हड्डी होती है जो दुर्घटना में मरा हो। अब जब 1.5 फुट योगा नहीं मरा होता है, जब आदमी एक हद दुर्घटना में अचानक ही मौत हो जाती है, उसकी आकार मृत्यु हो जाती है, ऐसे समझे तो जब आकार मृत्यु हो जाती है, तब उसी समय जब उसके प्राण निकल जाए उसी समय तुरंत उस मनुष्य की हड्डी निकाली जाती है। मतलब जो मनुष्य मर चुका है हाल ही में, मरने के बाद तुरंत ही एक हद घंटे के अंदर ही उसकी हड्डी उसके शरीर से अलग करके निकाली जाती है और उसे लाकर इष्ट क्रिया होती है। मैं यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि वो गुप्त क्रिया है। वो हड्डी लाकर पास रखते हैं लेकिन उसे धोते नहीं। धोने के बाद तो उसका उस हड्डी का और उस आत्मा का लिंक एथरिक लिंक टूट जाएगा, इसलिए वो हड्डी धोते नहीं, सिर्फ साफ सुफ कर लेते हैं और उस पर एक इष्ट क्रिया करने के बाद उस हड्डी में हड्डी का एक अलग अपना खुद का और तैयार होता है। मतलब इसका और एक शरीर निर्माण होता है उस हड्डी का। उस हड्डी में जो सेल्स होते हैं वो जीवंत ही रहते हैं। जब आदमी मर जाता है तो उसमें कुछ प्राण जीवंत रहते हैं। मोटा मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो प्राण शरीर में से प्राण निकल जाने के बाद ही शरीर मर नहीं जाता, उसमें कुछ उप प्राण भी होते हैं। जैसे आध्यात्मिक भाषा में पंच प्राण कहते हैं, मुख्य प्राण निकल जाने के बाद भी बाकी के जो प्राण बचते हैं वो शरीर में कुछ समय तक, कुछ घंटों तक रहते हैं। अगर कुछ घंटे के अंदर ही हम उस मृत मनुष्य की हड्डी निकाल कर उस पर तांत्रिक क्रिया करने के बाद उस हड्डी को एक जीवंत स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद उस हड्डी में ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है जो चमत्कारिक काम करती है। आपका कहना मानती है आपका ऐसा होता है 1.5 फुट का निर्माण।